आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करते हैं इसराइल के होने वाले उस हमले से जिसने पूरे गाजा में गदर मचा दिया। इस वक्त गाजा की 11 लाख आबादी के पास भागने के लिए सिर्फ महज 24 घंटे का ही वक्त बाकी है। उसके बाद इसराइल उत्तरी गाजा में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमास ने इसराइल को चैलेंज किया है, चुनौती दी है कि एक बार गाजा की जमीन पर आकर देखो, हमास इसराइली सेना की कब्र खोद देगा। इसराइल में युद्ध सरकार, हमास को दिया मृत्यु दंड। इस वक्त गाजा पट्टी में जितना भयानक खून खराबा हो रहा है उसका अंदाजा शायद दुनिया को नहीं है। 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में हमास के हजारों लड़ाके इसराइल से जमीनी जंग करने के लिए बुरी तरह से मचल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमास चाहता है कि गाजा पट्टी में एक बार इसराइल के टैंक और पैदल सेना घुसे, फिर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके मिलकर उनसे आखिरी जंग करें। तबाही और बर्बादी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसराइल और गाजा में 6000 से ज्यादा मौतों के बाद गाजा में भयानक चीखें और दर्द से भरी तस्वीरें दिख रही हैं। मटिया मेट इमारतें और मलबे से निकलती लाशें दिख रही हैं। उत्तरी गाजा में सर्वनाश, दक्षिण में भागो 11 लाख। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ये तो अभी मौत के तांडों की शुरुआत है। इसराइल और हमास की असली जंग अब शुरू होने जा रही है। इसराइल ने उत्तरी गाजा में पर्चे गिराकर आदेश दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर गाजा खाली करो वरना मारे जाओगे। अब सवाल उठता है कि 24 घंटे में उत्तरी गाजा के 11 लाख बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष कैसे भाग पाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इसराइल ने गाजा पट्टी का पूरी तरह से सफाई का क्या प्लान तैयार किया है और हमास और हिजबुल्ला ने इसराइल से गाजा में आखिरी युद्ध करने का फैसला किस जगह पर किया है। हमास हिजबुल्ला का चैलेंज, हार जाएगा इसराइल। लेबनन का हिजबुल्ला और गाजा में हमास इस वक्त इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमास ने बंधक बनाए 13 और इजरायली नागरिकों को जान से मार दिया है। लेकिन इधर इसराइल और उत्तरी गाजा में जिस भयानक हमले को करने का फैसला किया है उससे गाजा के लोगों की रूह कांप गई है। आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं कि गाजा में इसराइल की आईडीएफ क्या करने जा रही है। इसराइल अपने 1 लाख सैनिकों, हजारों टैंक और सैकड़ों लड़ाकू विमानों के साथ गाजा के उत्तरी इलाके पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। दावे के मुताबिक इसराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख गाजा निवासियों को दक्षिणी गाजा की तरफ तुरंत भागने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर उत्तरी गाजा के निवासी 24 घंटे में नहीं भाग पाए तो बहुत से लोग इसराइली हमले में मारे जाएंगे। इसराइल उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के अड्डों का पूरी तरह से सफाया कर देना चाहता है। इसीलिए इसराइल के डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा में भयानक हमला करने का फैसला कर लिया है। इसराइल के इस हमले में टैंक से भयानक फायरिंग होगी जबकि एयर स्ट्राइक से उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के हर इमारत, कमांड सेंटर और अड्डों को इसराइल तबाह और बर्बाद कर देगा। यूएन ने इसराइल के इस फैसले को सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी वाला फैसला बताया है। उत्तरी गाजा में सर्वनाश, दक्षिण में भागो 11 लाख। सात अक्टूबर के बाद से इसराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 22,000 से ज्यादा इमारतों,
और बिल्डिंगों को तबाह कर डाला है। फिलिस्तीन और गाजा के सैकड़ों लोग इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक पूरे गाजा में इजरायली हमलों ने कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी से 5 लाख के करीब गाजा निवासी जान बचाकर भाग गए हैं। इधर हमास ने गाजा पट्टी के कई लोगों को कई इलाकों में जबरन रोक दिया है ताकि इजरायल अंधाधुंध हमास के अड्डों पर हमला न कर पाए। हमास ने इजरायल के भीषण तैयारी को देखकर ऐलान कर दिया है कि इजरायल से अब असली जंग होगी। देखिए, हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायल और समर्थन करने वाले देशों को क्या धमकी दी है। हमास की मिलिट्री विंग ने कहा है कि वो गाजा में इजरायल के जमीनी हमलों से निपटने में माहिर हैं। हमास के मिलिट्री विंग कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि हम अपने रक्षा के पहलुओं पर तैयारियों को फिर से दोहराते हैं। जमीन के जरिए दुश्मन पर कार्रवाई करेंगे। हमास नए घातक और खौफनाक विकल्पों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसकी वजह से इसराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसराइल जमीन पर हमास से नहीं जीत पाएगा। इन्ना कररना अन नदअ हदन लिहादा फइन्नहु व मिन हादिही सआ नुअलिनु बिअन्न कुल इस्तेहदाफ लिअबनाए शअबिन अलआमिनीन फी बुयूतिहिम दून साबिक इंذار सनुकाबिलुहु आसिफिन بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसराइल को क्या हमास और हिजबुल्ला मिलकर हरा पाएंगे, क्योंकि इसराइल की मोसाद और शिन बेट खुफिया एजेंसियों ने ना सिर्फ गाजा बल्कि ईरान, लेबनान और सीरिया पर भी हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मोसाद के खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में हमास के कमांडर वाइल अल जार्द को मार डाला है। इसके अलावा हमास का दूसरा टॉप कमांडर जवाद अबू शमाला भी मारा गया है। हमास का कमांडर जकारिया अबू मैम्र भी मारा जा चुका है। इजरायल सेना का यह भी दावा है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद दईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दईफ के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। 22 मुस्लिम देशों से बनी अरब लीग बहुत गुस्से में है इसराइल के हमले से। दरअसल वो इसराइल पर दबाव बनाकर इस युद्ध को रोकना चाहती है ताकि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को बर्बाद होने से बचाया जा सके। हमास हिजबुल्ला का चैलेंज, हार जाएगा इसराइल। हमास के लड़ाकों के बीच चीखता हमास का मुखिया इस्माइल हानिया अपने लड़ाकों को आखिरी जंग के लिए तैयार कर रहा है। उधर दूसरी तरफ लेबनन में हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने भी साफ साफ इजरायल, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन न समझे। हिजबुल्ला के लड़ाके उत्तर दिशा से इसराइल पर भयानक हमले करने जा रहे हैं। लेबनन सीमा पर हिजबुल्ला के लड़ाके टैंक और मिसाइलों के साथ हमले को तैयार है। इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर अचानक हमले की जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमास किस दम पर दावा कर रहा है कि वो इसराइल को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जमीनी युद्ध में हरा देगा। जरा देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लड़ाके हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। हमास के पास 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग है। मिलिट्री विंग के चीफ हैं ईज अद दीन अल कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजू। इसके अलावा हमास का एक और खतरनाक लीडर है जिसे खालिद मशाल के नाम से जाना जाता है। हमास का मकसद है इसराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जहां ज्यादातर फिलिस्तीनी है, एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना और इस्लामिक देश की स्थापना करना। इसराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इसराइल ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा को तब तक खाना पानी और बिजली सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक कि हमास इसराइल के बंधकों को छोड़ नहीं देता। कुल मिलाकर इसराइल 24 घंटे में उत्तरी गाजा को पूरी तरह से रौंदने जा रहा है। अब देखते हैं कि इसराइल के इन हमलों का सामना हमास और उसके समर्थक कैसे करते हैं। हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया।
इसराइल के ऑपरेशन लोहे की तलवार ने गाजा में कहर ढा दिया। इसराइल ने हमास से बदले की बेहद सटीक और सधी हुई ये पूरी प्लानिंग की। इसराइल के वॉर रूम में इस वक्त भी देश के 5 बड़े चेहरे फैसला ले रहे हैं जो अपने आप में बेहद खास होंगे। इसराइल के इन 5 पांडवों के कंधे पर ही पूरे इसराइल की जिम्मेदारी है इस वक्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कसम देश की खाते हैं, हमास का नाश करके ही मानेंगे। गाजा पट्टी में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। दिवाली के पहले गाजा का नाश निश्चित। 41 किलोमीटर में 41,000 बम बरसाएगा इसराइल। आतंकी हमास की तरह तेजी में नहीं, आतंकियों की तरह कत्लेआम मचा कर नहीं, बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच विचार कर, पूरी प्लानिंग के साथ इसराइल गाजा पट्टी में छिपे आतंकियों का सर्वनाश कर रहा है। इस सर्वनाश की स्क्रिप्ट इसराइल के 5 टॉप लीडर्स ने लिखी है। इन 5 चेहरों ने हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक हमले की डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। लिहाजा गाजा को मिट्टी में मिला देने वाले हमले से इतर आज 5 चेहरों की डिटेल आपको दिखाते हैं। इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं 5 कंधों पर है जो सीधे प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को रिपोर्ट करते हैं, जिनके एक आदेश पर इसराइल से गिरी मिसाइल हमास के अस्तित्व को मिटा रही है। पहला नाम है इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट का। दूसरा नाम है इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का। तीसरा नाम है इसराइल के खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर डेविड बार्निया का। चौथा नाम है इसराइल के एयरफोर्स के चीफ तोमर बार का। और पांचवा नाम है विपक्षी दल के नेता बेनी गैंट्स का, जिन्होंने वर्तमान सरकार के साथ सारे मतभेद भुलाकर युद्ध कैबिनेट का गठन किया है। रणनीति, कूटनीति, हमला और उसका तरीका, इसराइल के इन 5 शहरों पर ही टिकी है हमास के विनाश की संपूर्ण कहानी। आपको एक एक कर इन 5 चेहरों की पहचान, इनकी जिम्मेदारी और इनके एक्शन की डिटेल दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इसराइल में गठित युद्ध कैबिनेट क्या है, समझ लेते हैं। मुसीबत में इसराइल के लोग और इसराइल की सियासत बिल्कुल एकजुट है। युद्ध कैबिनेट इसकी मिसाल है। दरअसल विपक्षी नेता ने नेतन्याहू सरकार से सारे अपने मतभेद भुला दिए हैं ताकि हमास के खिलाफ युद्ध में सियासत कोई खलल पैदा न करे। सबसे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री के निर्णायक शब्द सुनिए और हमास के अंधकार में भविष्य की तस्वीर की कल्पना कीजिए, क्योंकि इसराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को जमीन के 20 फुट अंदर दफना देने का हलफ उठाया है। אנחנו נשנה את פני המציאות ברצועת עזה 50 שנה קדימה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נפעל במלוא העוצמה. אני מבקש מאזרחי ישראל להתאזר בסבלנות, לגבות את צה"ל ואת כוחות הביטחון. यो गैलेंट पिछले साल यानी 2022 से इसराइल के रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले यो गैलेंट आर्मी में इसराइल के दक्षिणी कमांड के हेड थे। आर्मी बैकग्राउंड होने के कारण यो गैलेंट का काम और आसान हो जाता है। हमास के आतंकियों की टेक्निक और उनके हमले की क्षमता से इसराइल के रक्षा मंत्री परिचित हैं। इसलिए इनकी रणनीति जमीन पर कारगर दिख रही है। इसराइल के रक्षा मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हैं इसराइल का इस वक्त दूसरा सबसे अहम चेहरा, आर्मी चीफ का हर्जी हालेवी। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के चीफ हैं। हालेवी इसी साल जनवरी में आर्मी चीफ बने हैं। इससे पहले हालेवी भी रक्षा मंत्री की तरह इसराइल के दक्षिणी कमांड के इंटेलिजेंस चीफ थे।
על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם. जो गैलेंट हर्जी हालेवी के साथ हमास के खात्मे के स्क्रिप्ट जिसने तैयार की है उसका नाम है डेविड बार्निया। डेविड बार्निया ने 2021 में यानी दो साल पहले दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों में नंबर दो मोसाद के डायरेक्टर का पद संभाला था। डेविड बार्निया की तो पढ़ाई लिखाई ही मिलिट्री स्कूल में हुई है और इसके बाद डेविड बार्निया ने मिलिट्री में नौकरी भी की है। जो गैलेंट हर्जी हालेवी और डेविड बार्निया इन तीनों के अलावा और दो चेहरे हैं जिन्होंने युद्ध में इजराइल की बागडोर संभाल रखी है, लेकिन इन दो चेहरों की जिम्मेदारी और एक्शन की डिटेल आगे दिखाएंगे। उसके पहले इजराइल ने हमास के द एंड की जो प्लानिंग की है उसे समझना बहुत जरूरी है। असल में अब तक गाजा पट्टी पर हमले के लिए इजराइल अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स अपनी तकनीक और हमले के लिए स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इजराइल का फैसला दिख रहा है कि वो अब गाजा पर सिर्फ आसमानी हमले नहीं बल्कि हमास के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में हमले के लिए उसने अपने हजारों सैनिकों को तैयार कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इजरायल ने किस तरह के अटैक का प्लान तैयार किया है। इजरायल में ये वो इलाका है जिसे इजरायल ने मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है और इस इलाके को खाली करा लिया गया है, यानी इस जोन में अब किसी इजरायली नागरिक को रुकने की इजाजत नहीं है। उन्हें बसों में भरकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और अब यहां सिर्फ और सिर्फ सेना के जवान मौजूद हैं और उनके साथ उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इजरायल की सेना ने अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं जो गाजा में जमीनी हमले करने के लिए सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और सरकार का फैसला आते ही हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ेंगे। इजराइल के बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, उनकी संख्या की पूरी डिटेल इजराइल ने जारी नहीं की है, लेकिन हमास ने जिस तरह से जल थल और नब से एक साथ हमला किया है उसे देखते हुए इजराइल भी हर दिशा से हमला करने की तैयारी में है। गाजा की वो पहले ही नाकेबंदी कर चुका है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त इजराइल की सेना किस तरीके से काम कर रही है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसराइल में फ्रंट लाइन पर जो खड़े होते हैं वो इजरायली आर्मी यानी आईडीएफ के जवान। इनके पीछे होती है रिजर्व फोर्स जो बॉर्डर के जवानों को कवर फायर देती है। इन दोनों के पीछे होते हैं अगर जरूरत पड़े तब पैरामिलिट्री के जवान और उसके बाद आती है इसराइल की तेज तर्रार पुलिस और इन सबको जानकारी पहुंचाने का काम करती है मोसाद। अब की बार जिसके फेल होने पर युद्ध शुरू हो गया है। आपको आगे दिखाएंगे कि इजराइल की कुल मिलिट्री ताकत कितनी है, लेकिन उसके पहले वो दो नाम जिन्होंने इजराइल की सुरक्षा की शपथ ली है। चौथे नंबर पर है इजराइल एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमर बार। एयरफोर्स के चीफ बनने से पहले तोमर बार इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में काम करते थे। इजराइल एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमर बार ने ही सबसे पहले हमास के खिलाफ मिसाइलें मारने का ऑर्डर पास किया। तोमर बार को इस बात का दुख है कि उनकी सेना को रिस्पॉन्स करने में देर लगी, लेकिन अब तोमर बार के एक्शन बता रहे हैं कि वो कितने क्रोध में हैं। इजराइल की आर्मी खुफिया एजेंसी वायुसेना सब ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और इजराइल को इस वक्त हमास का संपूर्ण विनाश दिख रहा है। इस काम में देश के बॉर्डर पर नहीं सियासत के कटघरे में प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू को खड़ा करने वाले विपक्षी नेता बेनी गांस ने वक्त पर मिसाल वाली एकजुटता दिखाई है। बेनी गांस पहले इजराइल के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। बेनी गांस इजराइल के डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। मतलब इजराइल में इस वक्त आर्मी सुपर एक्टिव है, सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवान की तरह नहीं उनके वर्तमान कमांडर की भूमिका में भी और पूर्व कमांडर की भूमिका में भी जो इस वक्त वॉर रूम में बैठे। इजराइल का डिफेंस फोर्स हमास के हमले को रोकने में नाकामयाब रहा। इसके अलावा मोजाद भी हमास से जुड़ी जानकारी जुटाने में विफल रहा। यही नहीं, एयरफोर्स भी हमास के हमले को नहीं रोक पाया। लेकिन अब इन तीन प्रमुख एजेंसियों के प्रमुख वॉर रूम में गाजा पट्टी पर बम बरसाने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसाया जा रहा है। गाजा पट्टी एक ऐसा प्रेशर कुकर बनता जा रहा है जो अगर फटा तो पूरा अरब इसकी चपेट में आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ आज अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्डन
की राजधानी में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी जॉर्डन की राजधानी में हजारों लोग इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। तुर्की, इजिप्ट और इराक में भी लोग सड़कों पर उतर आए। आधी दुनिया गाजा पट्टी के नाम पर उबल रही है। गाजा के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गाजा में पानी खत्म हो रहा है, गाजा में खाना खत्म हो रहा है, गाजा में गैस खत्म हो रही है, गाजा में बिजली खत्म हो चुकी है, गाजा में अस्पतालों की हिम्मत टूट रही है, गाजा के मुर्दा घरों में लाशें ही लाशें हैं। गाजा एक ऐसा नरक बन चुका है जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग बेचैन, बदहवास और परेशान हैं। गाजा के लोग भागना चाहते हैं, लेकिन आखिर भाग कर जाएं कहां? एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इसराइल है। और तीसरी तरफ इजिप्ट है, जिसने अपनी सीमाओं को बेहद सख्ती से बंद कर दिया है। पीने के लिए अब समंदर का नमकीन पानी है, खंडहर बनते जा रहे गाजा का तापमान बढ़ता जा रहा है। हर एक छत हर एक दिन बीतने के साथ तबाह हो रही है। और इस खतरनाक तबाही से भी ज्यादा तबाही इसराइल के लड़ाकू विमानों के बम बरसा रहे हैं। इन सबके बीच वेस्ट एशिया के अंदर इसराइल ने तूफान मचा दिया है। इसराइल डिफेंस फोर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। गाजा पर हमले के लिए टैंकों की सेना तैयार हो चुकी है। इसराइल के उत्तर में लेबनन की सीमा पर हिजबुल्ला पर भी इसराइल डिफेंस फोर्स कहर बरपा रही है। और उत्तर में ही मौजूद सीरिया के बॉर्डर पर भी इसराइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसराइल इतना उग्र हो चुका है कि जैसे ही यह खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री सीरिया में दौरा करने वाले हैं, वैसे ही दमिश्क और एलेप्पो के हवाई अड्डों पर इसराइल ने बम बरसा दिया और इन हवाई अड्डों को ही तबाह कर दिया। इसका मकसद साफ है कि ईरान के जरिए हवाई जहाज से हथियारों के कार्गो विमान सीरिया में उतर ही ना सके। क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? इस सवाल का जवाब बहुत सारे एक्सपर्ट्स हां में भी देने लगे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर की धुरी गाजा पट्टी बन जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। युद्ध नीति कहती है कि अगर युद्ध जीतना है तो दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दो, दुश्मन की रसद काट दो, दुश्मन का पानी काट दो, दुश्मन के ऊर्जा स्रोत खत्म कर दो, दुश्मन को हथियार पहुंचने की सारी संभावना खत्म कर दो। यही वजह है कि एक हफ्ते के करीब होने को है और गाजा के अंदर अब सारे सप्लाई रूट बंद हो चुके हैं।
गाजा के अंदर इस वक्त के हालात ये हैं कि फिलिस्तीन के अरबी भाषा के अखबारों के मुताबिक गाजा में दवा की कमी 44% हो चुकी है, गाजा में बिजली की कमी 80% हो चुकी है, गाजा के अंदर 20% बिजली अभी तक जनरेटर से पैदा हो रही थी, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से अब जनरेटर भी बंद होने लगे हैं और इसकी वजह से गाजा के अस्पतालों में इलाज में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां बिजली की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। गाजा के अस्पतालों में नाकेबंदी की वजह से चिकित्सा उपकरणों की कमी 33% तक हो चुकी है। अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून तेजी से खत्म हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गाजा में मौजूद 20 लाख से ज्यादा लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि इजिप्ट की सरकार की तरफ से कूटनीतिक बयान ये आया है कि लोग गाजा पट्टी को नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर गाजा खाली हो गया तो इसराइल जमीन पर कब्जा कर लेगा और फिर उनको वो जमीन वापस नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अगर गाजा के लोग जहां हैं वहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर ये गाजा के लोग या तो ह्यूमन शील्ड बनेंगे यानी मानव कवच बन जाएंगे जिसका इस्तेमाल या तो हमास के लड़ाके करेंगे या फिर ये लोग भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमास गाजा के लोगों को भी युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दे। मैं इस वक्त इजराइल के जेरोत में हूँ। दरअसल खून इजराइल में भी बह रहा है और गाजा में भी, लेकिन असल खूनी खेल तब खेला जाएगा जब इसराइल की सेना गाजा शहर में पहुंचेगी और वहां दोनों पक्षों की तरफ से शहरी युद्ध होगा यानी गुरिल्ला वॉर होगा गाजा शहर के शहरी इमारतों में। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा ही रूस के अंदर लेनिनग्राद और बर्लिन में भी हुआ था। ये एक अर्बन वॉरफेयर था जिसमें लेनिनग्राद और बर्लिन के अंदर इमारतों के अंदर से खूनी जंग लड़ी जा रही थी। जिसमें बेहद खतरनाक जंग हुई थी। हिटलर जैसे तानाशाह की मजबूत आर्मी भी इस अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी युद्ध को नहीं झेल सकी थी। और कुछ ऐसा ही युद्ध अब गाजा के अंदर होने जा रहा है। जिन इमारतों को इजरायल ने हवाई हमले करके खंडहर में तब्दील कर दिया है उसी इमारतों के अंदर से हमास के आतंकी खतरनाक गोरिल्ला युद्ध छेड़ने वाले हैं, जिसका अंजाम क्या होगा ये कहना